हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू, युवा आई एस अकेडमी कोरबा से। आज का हमारा टॉपिक बस्तर संभाग में बस्तर जिले को लेकर है और बस्तर जिले का डिटेल मैपिंग आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बस्तर संभाग के जो जिले हैं उनको बनाना सीखते हैं। तो बस्तर जो है 1948 में बना था और बस्तर के जो 7 जिले हैं उसको पहले बनाते हैं। तो पहले इसको 3 भागों में ऐसे काटना है, ऊपर वाले भाग को पूरा ना मिलाकर ऊपर करना है, फिर बीच वाले और नीचे वाले भाग को दो दो भागों में इस तरह से बांटना है और इन दोनों के बीच की लाइनिंग को इस तरह और इसके तरह इस तरह से लाइन खींचना है। तो 7 जिले बन जाते हैं, जिसमें ये कांकेर है, ये नारायणपुर, ये कोंडागांव, ये दंतेवाड़ा, ये सुकमा और ये बीजापुर, और बीच में ये क्या है, बस्तर जिला है। तो बस्तर ज़िले से कौन कौन सी रोड गुजरती है पहले वो देखना होगा, और वहाँ से कोई नदी गुजर रही है वो देखना होगा, तब हमको उसका स्थिति समझ में आ पाता है। तो एक रोड जो कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा, रायपुर, धमतरी से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, से बस्तर सुकमा होते हुए निकल जाती है। इस सड़क का नंबर नेशनल हाईवे नंबर 30 है। और एक सड़क जो बीजापुर, बीजापुर से दंतेवाड़ा बस्तर होते हुए निकलती है, इस सड़क का नंबर है नेशनल हाईवे नंबर 63। तो ये 30 नंबर की सड़क और ये 63 नंबर की सड़क बस्तर में क्रॉस होती है, और जहाँ क्रॉस होती है वहीं पर जो शहर है वो है जगदलपुर, जिसको चौराहों की नगरी कहा जाता है। तो बस्तर में जहाँ पर ये दोनों रोड क्रॉस होती है इसको जगदलपुर, चौराहों की नगरी कहते हैं। इसके अलावा उड़ीसा के कालाहांडी से इंद्रावती नदी बस्तर के ऊपर से इस तरह से गुजरती है, और इस तरह से आ रही गोदावरी नदी पर मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, गोदावरी नदी में। तो इधर से जो नदी आ रही है जगदलपुर के पास से गुजरेगी, और इंद्रावती नदी जो है किसमें जाकर मिल जाएगी, गोदावरी नदी में। तो इस तरह से दो रोड, नेशनल हाईवे नंबर 30 और 63 और इंद्रावती नदी की स्थिति को समझते हुए हमको बस्तर जिला समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से बस्तर बना लीजिए, और इसमें ऊपर से कौन सा रोड आ रहा है, तो ऊपर से नेशनल हाईवे नंबर 30 आ रहा है, नेशनल हाईवे 30, और इस तरफ से नेशनल हाईवे नंबर 63। इसके अलावा जहां क्रॉस हो रही है वो कौन सा जगह है, जगदलपुर, याद रखना है। इसके अलावा इस तरफ से कौन सी नदी जा रही है, तो इस तरफ से इंद्रावती नदी जा रही है, इस तरफ इंद्रावती नदी, ठीक है। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 30। नेशनल हाईवे नंबर 30 में जब कांकेर से कोंडागांव और कोंडागांव के बाद जब बस्तर एंटर करेंगे तो सबसे पहले बस्तर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, बस्तर। बस्तर अपने जिले में ही एक तहसील है, क्योंकि जिला मुख्यालय, बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर में है। तो बस्तर पड़ेगा, उसके बाद इंद्रावती नदी क्रॉस करेंगे, फिर जगदलपुर, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो दरभा घाटी, कौन सा जगह पड़ेगा, दरभा घाटी। वैसे ही जब इधर से चालू करेंगे तो ये आसना, तारापुर, बास्तानार, जगदलपुर और नगरनार, ये जगह पड़ेंगे। तो सबसे पहले इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो 19 नेशनल हाईवे नंबर 30 में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो नेशनल हाईवे नंबर 30 में सबसे पहले बस्तर, बस्तर 14 देसी रियासतों में, छत्तीसगढ़ में कितनी देसी रियासत थी जब देश आज़ाद हुआ था, तो 14 देसी रियासत, उस 14 देसी रियासत में सबसे बड़ी देसी रियासत थी बस्तर। और बस्तर ये राजा पुरुषोत्तम की राजधानी रही है, काकती राजवंशों की राजधानी रही है, और उसमें भी राजा पुरुषोत्तम देव की राजधानी रही है। और बस्तर से ही गोंचा पर्व की शुरुआत हुई है। किस पर्व की शुरुआत हुई है, गोंचा पर्व की। इंद्रावती नदी, जिसका पुराना नाम मंदाकिनी और इसकी लंबाई है 264 किलोमीटर, इसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे तो जगदलपुर, जगदलपुर चौराहों की नगरी, गार्डन सिटी कहा जाता है। यहाँ पर दलपत सागर झील है जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा जगदलपुर में काजू, कोसा और इमली, याद रखना है, काजू कोसा रिसर्च सेंटर है और एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी लगती है, ठीक है। जगदलपुर से आगे बढ़ेंगे दरभा घाटी, दरभा घाटी में अभ्रक पाया जाता है। इसके बाद आसना, तारापुर, बास्तानार, जगदलपुर, नगरनार। तो आसना, तारापुर बॉक्साइट क्षेत्र है। इसके अलावा आसना में आपको याद रखना है बस्तर लोक नृत्य एवं साहित्य अकादमी है, यहाँ है ना, बस्तर लोक नृत्य एवं साहित्य एकेडमी है आसना में, और आसना तारापुर दोनों बॉक्साइट क्षेत्र है। बास्तानार, उसके बाद जगदलपुर, जगदलपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज,
और के बाद नगरनार। नगरनार में एनएमडीसी स्टील प्लांट है। कौन सा प्लांट है? एनएमडीसी स्टील प्लांट। इसके अलावा इधर देखें तो यहाँ पर बकावंड नामक जगह है। बकावंड के पास ही इंद्रावती नदी में कोसार टेढ़ा डैम है। कौन सा डैम है? कोसार टेढ़ा डैम। वैसे इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लोहांडीगुड़ा, कौन सा जगह है? लोहांडीगुड़ा नामक जगह। यहाँ से कुछ दूर पे ही इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहलाता है। और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, पूरे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। इसके बाद इस तरफ तोकापाल नामक जगह है, और तोकापाल में क्या मिलता है? तो तोकापाल में हीरा मिलता है, डायमंड, हीरा पाया जाता है, डायमंड। और इस कोने में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है आपको, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल 200 किलोमीटर स्क्वायर है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और इसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 को की गई थी, ये याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी और रिसस बंदर, ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक जगह है जिसका नाम है भैंसा दरहा। भैंसा दरहा नामक जगह में मगरमच्छों का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है। कौन सा जगह? भैंसा दरहा। इसके अलावा यहाँ से कांगेर नदी बह रही है। कौन सी नदी? कांगेर नदी। और कांगेर की सहायक नदी है मुनगा बहार नदी। तो कांगेर नदी और कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार नदी है, जिस पर तीरथगढ़ जलप्रपात है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 300 फीट चौड़ाई के साथ चित्रकूट जलप्रपात पूरे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, और 300 फीट ऊंचाई के साथ तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा कांगेर घाटी नेशनल पार्क में तितली पार्क है ना, क्या है यहाँ पर? तितली पार्क। और यहाँ पर कुटुंबसर की गुफा है। कौन सी गुफा है? कुटुंबसर की गुफा, याद रखेंगे। कुटुंबसर की गुफा के खोजकर्ता डॉक्टर शंकर तिवारी, और यहाँ अंधी मछलियाँ पाई जाती है, तो इन अंधी मछलियों की खोज डॉक्टर शंकर तिवारी ने किया था, इसलिए इन मछलियों को संकराई मछली भी कहते हैं। ये जो कुटुंबसर की गुफा है, ये दो प्रकार के चूना पत्थर से बनी है। छत का चूना पत्थर अलग है और फर्श का चूना पत्थर अलग है। तो छत के चूना पत्थर को स्टेलेगटाइट कहा जाता है, और फर्श के चूना पत्थर को स्टेलेगमाइट कहा जाता है। तो इस तरह से कुटुंबसर की गुफा भी हमने देख लिया। इसके बाद हमको ये देखना है कि जगदलपुर, जो कि इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर बस्तर यूनिवर्सिटी 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, और गुंडाधुर कृषि विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना की गई है। तो आज का जो हमारा वीडियो है बस्तर से रिलेटेड फैक्ट पॉइंट, यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जिले के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।